ओशो के दर्शन में कर्म एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सिद्धांत है जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्म का अर्थ है क्रिया या कर्म। इसका मतलब है कि हर एक क्रिया, हर एक काम जो हम करते हैं हमारे अंतरात्मा के साथ एक गहरा संबंध बनाता है और हमें हमारे अभिन्न अस्तित्व के साथ संबंधित करता है। कर्म के अनुसार हमारे किए गए कार्यों के परिणाम हमें इस जीवन में अनुभव करने पड़ते हैं और हमें हमारे कर्मों के परिणामों का उत्तरदायित्व स्वीकार करने की शक्ति प्रदान करता है। कर्म की अवधारणा के अनुसार हमारे कर्म तीन प्रकार के होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। इन तीनों प्रकार के कर्म हमें इस जीवन में अनुभव करने के लिए नियुक्त किए गए हैं और ये हमारे आत्मा के साथ संबंधित कर्म होते हैं। एक उदाहरण के रूप में एक प्राचीन कथा जो हमें कर्म के विषय में शिक्षा देती है कर्म फल की कहानी। यह कथा विभिन्न संस्कृतियों में प्रसिद्ध है और अनेक रूपों में प्रस्तुत की जाती है। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम धनराज था। धनराज ने हमेशा भले काम किए और दूसरों की सहायता की, लेकिन उसके साथ हमेशा अच्छा नहीं होता था। वह चाहता था कि उसका जीवन अधिक सुखमय हो, लेकिन उसके पास कोई संभावना नहीं थी। उसने अपने परिवार को अच्छे से पाला पोसा, परंतु उसका जीवन अभाव, कठिनाइयों और दुखों से भरा था। एक दिन धनराज के मित्र ने उसे संत के पास जाने की सलाह दी। धनराज ने संत के पास जाकर अपनी समस्या बताई और संत ने उसे कहा कि उसका दुख केवल उसके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। संत ने कहा कि धनराज को अब अपने कर्मों के फल को स्वीकार करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि उसके कर्म कैसे उसके भविष्य को सुधार सकते हैं। धनराज ने संत की सलाह मानी और अपने कर्म के परिणामों को स्वीकार किया। उसने अपने काम में ध्यान दिया, सत्य और ईमानदारी से काम किया और अपने समाज में सहायता की। उसके साथ ही उसने ध्यान दिया कि वह अपने भविष्य के लिए कैसे बेहतरीन काम कर सकता है। धीरे धीरे धनराज के जीवन में सुधार आया, उसके परिवार की स्थिति सुधरी, उसका समाज में मान बढ़ा और उसका जीवन अधिक सुखमय हो गया। धनराज ने अपने कर्मों के परिणामों को स्वीकार करके अपने जीवन को संवेदनशीलता, संतुलन और संतोष से भर दिया। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्म हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें हमारे कर्मों के परिणामों का स्वीकार करना चाहिए। अपने कर्मों के माध्यम से हम अपने जीवन को संवेदनशीलता, संतुलन और संतोष से भर सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। कर्म की अवधारणा के अनुसार हर एक कार्य जो हम करते हैं, चाहे वह मानव जीवन में हो, समाज में या आत्मिक सफलता की ओर बढ़ने में हो, हमारे कर्म के फलों को हमें स्वीकार करना चाहिए। ओशो के अनुसार कर्म हमारे आध्यात्मिक और मानवीय विकास का मार्गदर्शन करता है। यह हमें हमारे कर्मों के परिणामों का उत्तरदायित्व स्वीकार करने और स्वीकृत करने की शक्ति प्रदान करता है। साथ ही हमें अपने जीवन को संतुलित और संतुष्ट बनाने के लिए प्रेरित करता है। ओशो के अनुसार कर्म के तीन मुख्य प्रकार होते हैं। संचित कर्म, यह वह कर्म है जो हमने अपने पिछले जन्मों में किए हैं और जिनके परिणाम हम इस जन्म में अनुभव कर रहे हैं। यह कर्म हमारे अंतरात्मा के साथ लंबे समय तक बने रहते हैं और हमें हमारे भविष्य में भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने पिछले जन्मों में धर्म का अनुसरण नहीं किया हो, शायद इस जन्म में धार्मिकता के माध्यम से अपने संचित कर्म को समाप्त करना चाहेगा। प्रारब्ध कर्म, यह वह कर्म होता है जो हमें इस जन्म में अनुभव करने के लिए नियुक्त किया गया है। यह हमें इस जीवन में सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक अनुभवों में नियमित करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो एक गरीब परिवार में जन्मा हो, उसे अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार गरीबी का अनुभव करना हो सकता है, लेकिन वह अपने कर्मों के माध्यम से, सामर्थ्य और संघर्ष के माध्यम से अपने जीवन को बदल सकता है। क्रियमान कर्म, यह वह कर्म होता है जो हम अपने स्वतंत्र इच्छा के अनुसार करते हैं और जिसके परिणाम हमें इस जीवन में अनुभव करने पड़ते हैं। यह हमारी चुनौतियों, प्रेरणाओं और इच्छाओं के परिणाम होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो एक अच्छे शिक्षक बनने की इच्छा रखता है, उसे अपने क्रियमान कर्म के माध्यम से शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग चुनना हो सकता है। कर्म का समझना हमें हमारे जीवन के हर पहलू को समझने, स्वीकार करने और उसमें सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। इसे हमें अपने आत्मा के साथ गहरा संबंध बनाने
अपने कर्मों के परिणामों को स्वीकार करने और स्वयं के विकास में सहायक होने का मार्ग दिखाता है। ओशो के अनुसार कर्म हमारे जीवन का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें अपने अंतरात्मा के साथ गहरे संबंध बनाने में मदद करता है और हमें एक संतुलित, संतुष्ट और सफल जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।